देखिए, मेरा नाम प्रमोद। आज हम बात करने वाले टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो आज स्टॉक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके न्यूज़ बेसिस पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आ रखी है अभी, अगर मैं आपको बताऊं। साथ ही में इस कंपनी के जो गिरावट है उसका सिलसिला क्या कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले बता दूँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी करके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो बात करें टाटा पावर कंपनी के बारे में, तो आज के दिन देखें तो लगभग 2.5% की गिरावट रही है, और ये स्टार्टिंग से रही है, मतलब सुबह से स्टॉक गिरता जा रहा है बिना रुके। आप देख सकते हैं यहाँ से गिरना शुरू हुआ था और उसके बाद जो ये गिरावट के बाद कंटिन्यू रहा, एक रेंज में कंटिन्यू, अगर आप देखें इसको तो लगभग उसी रेंज में मूव करता है स्टॉक, और जैसे उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है ऊपर से, साथ में नीचे सपोर्ट, इस वजह से स्टॉक उसी में मूव कर रहा है। साथ ही में अगर न्यूज़ की बात करें ब्रेकिंग की, तो आप देख सकते हैं जो वाई शुड इन्वेस्टर डू विथ टाटा पावर पोस्ट क्वार्टर वन रिजल्ट बाय सेल और होल्ड, तो मनी कंट्रोल की तरफ से ये आया, अगर हम इसको भी देखेंगे। साथ में जो दूसरा है तपरिया नाम का जो ब्रोकर, उन्होंने टारगेट्स डिसाइड किए हैं टाटा पावर के, 143 टारगेट डिसाइड किए हैं, तो वो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि आगे के लिए डिसाइड किए हैं टाटा पावर को कि आगे अच्छे मूव दे सकता है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक टू वॉच के अंदर टाटा पावर को जोड़ा गया है, और ये भी 52 वीक हाई था पोस्ट क्वार्टर वन में, आप देख सकते हैं। और जो टाटा पावर शेयर प्राइस ब्रोकरेज रिसीव्ड आफ्टर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर्स चेक रिवाइज, तो मतलब जो इसका क्वार्टर नंबर है वो बढ़िया आने वाला है, ये संभावना है, जो रिजल्ट आया था इसका बढ़िया आया था, लेकिन क्वार्टर वन जो दिखा रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, उसकी वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है अभी टाटा पावर रिलेटेड। अगर बात कर लें हम इसकी ओवरव्यू की, तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे भी आसपास ही, अगर आप देखें तो अभी जो पिछला दिन गया उसमें ऑल टाइम हाई था ये, लगभग देखें हम हाई से हाई पे चलता हुआ था, लगभग मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 6 अगस्त के, 9 अगस्त के समथिंग, आप देख सकते हैं इस ये ऑल टाइम हाई था 6 अगस्त के समथिंग, और आज गिरावट में, तो ये एक जो ऑल टाइम हाई का इसका वो था उस पर आ चुका था स्टॉक, वो बहुत ही बढ़िया लगा। वैसे तो ये 52 वीक हाई था, ऑल टाइम हाई आप इसका देख सकते हैं यहाँ से 140 के आसपास है, उसको अगर स्टॉक टच करता है जब जाके 140 बात करेंगे पिछले 5 दिन की, तो अभी तो गिरावट रही है जो इसका 52 वीक हाई के बाद गिरावट में रहा है। ये 52 वीक हाई क्यों आया, इसे क्वार्टर रिजल्ट के रिलेटेड और महीने भर की बात करें उसमें 6% पॉजिटिविटी रही स्टॉक के अंदर, अगर 6 महीने देखें आप तो 51% रहा, और अगर हम 1 साल की बात कर ही लेते हैं तो 1 साल के अंदर 156%, मतलब बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड करें स्टॉक ने। साथ ही में अगर मैक्स की देखें हम तो उसके अंदर 1194 रिटर्न्स, और आया था 1999 में 199 में, लेकिन 5 साल में भी अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड करवाया, 77% बहुत कम रिटर्न्स होते हैं, लेकिन एक देखा जाए तो रिटर्न्स तो है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते रिटर्न्स बुरे हैं, क्योंकि रिटर्न देना एक पॉजिटिव बहुत बढ़िया बात होती है। अगर इसके फाइनेंशियल के देखें हम तो फाइनेंशियल करती है कंपनी जो है वो टाटा पावर जो है वो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है, साथ में जनरेट करती है ट्रांसमिट को, तो उसकी कंपनी है, कोर बिजनेस की कंपनी है। बात करें फाउंड किसने की थी, तो दोराबजी टाटा ने फाउंड की थी 1911 के अंदर। आप जानते हैं टाटा मोटर से भी पुरानी कंपनी है टाटा पावर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगभग 18,000 करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स की बात होती है अर्निंग कॉल्स की, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट रहा है, आप देख सकते हैं इतनी गिरावट स्टॉक ने झेली। आप देख सकते हैं रेवेन्यू अच्छा, नेट इनकम बहुत ही बुरे गए हैं, दिसंबर वाले में बढ़िया था, सितंबर में बढ़िया था, जून खराब था, लेकिन इस बार वाला क्वार्टर बुरा गया, इस वजह से थोड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है, बाकी कुछ खास था नहीं। तो आज आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।